उफ, लगता है अब तो करण जौहर के पंडित से मिलना ही पड़ेगा। क्यों? अरे आपको याद है ना, आई टोल्ड यू दैट वंस करण कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही सेड फिल्म के टाइटल से मुश्किल वर्ड निकाल दो, अदरवाइज फिल्म मुश्किलों में पड़ जाएगी। और ये सच हो गया। ये फिल्म जब से बनी है तब से लेके अब तक मुश्किलों में ही है। रिलीज के पहले पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स बैन के कारण और रिलीज के बाद फिल्म के डायलॉग के कारण। एक डायलॉग में अनुष्का शर्मा रणबीर कपूर को कहती है, मोहम्मद रफी वही सिंगर ना जो गाते कम और रोते ज्यादा थे। फिल्म में लाइटली कही गई ये बात रफी साहब के फैंस को और इंडस्ट्री के कुछ सिंगर्स को नागवार गुजरी। जहां सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके करण को अपोज किया, वहीं दिल्ली में लोगों ने ए दिल है मुश्किल के पोस्टर्स जला के विरोध किया। जहां तक फिल्म के बिजनेस की बात है तो फिल्म इज डूइंग फैंटास्टिकली वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस, और फिल्म ट्रेडर्स की माने तो ये फिल्म वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म की लिस्ट में शुमार हो सकती है। व्हाट एल्स यू नीड? इफ एंड इज वेल, ऑल इज वेल।